पैराथायरॉइड एंड पेंक्रियाज में हम इंडोर ग्लैंड्स की एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पहले स्टार्ट देते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड से। पैराथायरॉइड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एंटीरियर नेक में सिचुएटेड है और एक हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। इसी को पैरेट हार्मोन भी कहते हैं और इसका काम ये है कि ये सीरम कैल्शियम को, ठीक है, कैल्शियम के लेवल को बॉडी में इंक्रीज करवाता है। एनाटॉमिकल लोकेशन की बात करें तो पैराथायरॉइड, पैरा का मतलब होता है इन विसिनिटी, ठीक है, और थायरॉइड क्योंकि ये थायरॉइड के साथ ही सिचुएटेड होते हैं। ये थायरॉइड ग्लैंड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर सिचुएटेड है और फ्लैट ओवल होते हैं स्ट्रक्चर में। थायरॉइड ग्लैंड के वैसे तो बाहर मौजूद होते हैं यानी एक सेपरेट एंटिटी है ये, लेकिन सेम फेशिया में रैप होते हैं जिसके अंदर थायरॉइड ग्लैंड रैप होता है, ठीक है। वो कौन सा है? वो है प्री ट्रैकियल फेशिया। कुछ लोगों में जो इंटीरियर थायरॉइड ग्लैंड्स हैं वो मीडियास्टम तक भी जा सकते हैं, ठीक है, यानी इतने लो सिचुएटेड हो सकते हैं कि मीडियास्टम तक जाएं। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हो सकता है, ये हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। इस पिक्चर में देखिए बच्चों, ये एंटीरियर व्यू है और ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। आप देख सकते हैं कि ये जो चार येलो स्पॉट्स हैं ओवल फ्लैट, ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ऊपर वाला ग्रुप सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड कहलाता है, नीचे वाला इंपीरियर। ये इसी पिक्चर का जूम व्यू आप देख सकते हैं कि चार जो कॉर्नर्स हैं उसमें एक एक पैराथायरॉइड ग्लैंड सिचुएटेड है। नंबर की बात करें जो नॉर्मल ज्यादातर मतलब पॉपुलेशन आपको मिलेगा उसमें चार थायरॉइड ग्लैंड होंगे पैराथायरॉइड्स, ठीक है, दो सुपीरियर दो इंपीरियर, लेकिन नॉर्मल एनाटॉमिक वेरिएशन है सो 2 to 6 इन नंबर हमें मिलते हैं। सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ये एनाटॉमिकली फोर्थ पैरिंजियल पाउच से आता है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर के मिडल में लोकेटेड है थायरॉइड लोब के, ठीक है। जबकि जो सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये थर्ड पैरिंजियल पाउच से आता है और इसकी लोकेशन इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये इंफीरियर पोल ऑफ थायरॉइड पर भी हो सकता है, ये थाइमस के आसपास नेक में कहीं और इवन मीडियास्टम तक भी हो सकता है। वहीं पर पैराथायरॉइड मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी कोलेट्रल आर्टेरियल सप्लाई जो है वो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी से और थायरॉइड एमा आर्टरी से आती है, ठीक है। वेनस ड्रेनेज इसकी भी सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर थायरॉइड वेन्स में, लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी पैराट्रैकियल और डीप सर्वाइकल नोड्स में जैसे कि थायरॉइड ग्लैंड की थी। इस पिक्चर में देखिए बच्चों, ये चार ग्लैंड्स हैं जो इनको, ये देखिए कि ये पोस्टीरियर ब्रांच जो है ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी की है जो यहाँ कोलेट्रल के तौर पर सप्लाई करती है। फिर मेन जो सप्लाई है ये इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की ही ब्रांच है, ठीक है, जो कि इन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगी। नर्व्स की बात करें तो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स की जो नर्व सप्लाई है वो सिंपथेटिक नर्व से है, ठीक है, और थायरॉइड ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल गैंग्लिया से। लेकिन यहाँ पर भी ये जो नर्व्स हैं ये वेजोमोटर हैं, वेजोमोटर यानी कि सिर्फ वेसल्स का कंट्रोल रखती हैं या फिर सेंसेशन स्ट्रेच की प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, स्क्रीटोमोटर नहीं है, यानी कि जो ग्लैंड में से स्क्रीशन है उसको नर्व्स कंट्रोल नहीं करती, वो हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होगा, ठीक है, जो कि और वो हार्मोनल कंट्रोल क्या है और वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, वो सीरम कैल्शियम लेवल तक है, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस क्या है, थायरॉइड ग्लैंड की जो स्क्रीशन है, थायरॉइड में भी स्पेसिफिकली T3 और T4 की जो स्क्रीशन है वो पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंडर है, जबकि जो उसका कैल्सिटोनिन है जो एक हार्मोन आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन में, वो और पैराथायरॉइड ग्लैंड का पैरेट हार्मोन, इन दोनों का रिलीज बॉडी में कैल्शियम लेवल पर बेस करता है। जैसे कि हमने बात की कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है इसको पैराथायरॉइड हार्मोन कहते हैं या फिर पैरेट हार्मोन कहते हैं, कुछ लोग इसको पैरा थार्मोन भी पढ़ते हैं लेकिन हम इसको पैरेट हार्मोन पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो पैरेट हार्मोन है इसके तीन मेन फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनका सारा मतलब तीन तरीके हैं जिससे ये बॉडी में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराएगा। जैसे पहला तरीका है कि बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ाएगा, लेकिन ये वर्ड है रिजॉर्प्शन, कोई चीज ऑलरेडी है उसमें से सक आउट कर लेगा, यानी कि बोन के अंदर से कैल्शियम को निकाल कर सीरम के अंदर लाएगा, ब्लड के अंदर लाएगा, ठीक है। दूसरा काम ये करेगा कि किडनी में रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा, यानी कि जो ब्लड फिल्टर हो चुका, जो फिल्ट्रेट बन चुका, उसमें से कैल्शियम को दोबारा एब्जॉर्ब कराएगा टिब्यूल्स में से, ताकि बॉडी में कैल्शियम का लेवल एडिकेट रखा जा सके। तीसरा काम ये करेगा, तीसरा जो तरीका है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट ऐसे है कि ये विटामिन डी की सिंथेसिस को प्रमोट करेगा और विटामिन डी फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर सीरम में विटामिन डी का लेवल बढ़ाएगा।
अब कंपैरिजन है पैराथायरॉइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन का। इसमें जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसको पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो कैल्सिटोनिन है ये थायरॉइड ग्लैंड की एक सिक्रीशन है। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्या है इसमें। साथ विटामिन डी का भी कंपैरिजन दिया गया, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी का एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है बॉडी में लेवल्स बढ़ाने पर, क्योंकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए जब भी पैराथायरॉइड और कैल्सिटोनिन को डिस्कस करते हैं उसके साथ विटामिन डी और इवन फॉस्फेट लेवल्स को भी डिस्कस किया जाता है, क्योंकि फॉस्फेट लेवल्स जो है बच्चों वो कैल्शियम से इन्वर्सली होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल हम अपना फोकस पीटीएच और कैल्सिटोनिन पर रखेंगे, साथ साथ विटामिन डी को भी डिस्कस करेंगे। जैसे पहली चीज है कि प्लाज्मा कैल्शियम लेवल पर इनका क्या असर होगा। प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को पीटीएच बढ़ाएगा, कैल्सिटोनिन कम करेगा। इसका ये मतलब है कि अगर पीटीएच के अंदर ये एबिलिटी है कि वो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को बढ़ा सके, तो ये तब रिलीज होगा जब ब्लड में कैल्शियम लो होगा। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम लो हुआ, बॉडी ने सिग्नल दिया और पैराथायराइड ग्लैंड ने पैराइड हार्मोन को रिलीज कर दिया ताकि जो लो कैल्शियम है उसको बढ़ाया जा सके। इसकी निस्बत जब बॉडी में कैल्शियम एक लिमिट से बढ़ गया, बॉडी सिग्नल देगी कैल्सिटोनिन को ताकि कैल्सिटोनिन रिलीज होकर उस कैल्शियम को वापस रिजॉर्ब कर, मतलब वापस उसको जिन सोर्सेस से लिया गया था वहां ले जा सके। अब यही चीज है कि जिस तरह पैराथायरॉइड हार्मोन ने तीन काम किए थे, इसने बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ाया था, कैल्सिटोनिन उसको कम करेगा, यानी कैल्शियम को ब्लड से निकाल कर बोन्स में भेजेगा ताकि बोन स्ट्रांग हो, बोन के अंदर कैल्शियम जाए लेकिन ब्लड से क्लियर हो जाए। इसी तरह किडनी से कैल्शियम लॉस को बढ़ाएगा रिजॉर्प्शन को कम करके। ठीक है, और तीसरा काम ये करेगा कि विटामिन डी के सिंथेसिस को कम करेगा। अच्छा, उसके अलावा इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पीटीएच से बढ़ेगी, क्योंकि एंड रिजल्ट हमें चाहिए कैल्शियम का बढ़ना, कैल्सिटोनिन कोई इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इफेक्ट करे। ठीक है, कुछ चीजों में मतलब जैसे कि हम पढ़ते हैं कि सिस्टम्स जो हैं वो एंटागोनिस्ट होने की बजाय एक दूसरे का काउंटर पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि काउंटर पार्ट जो है वो हर एस्पेक्ट पर मौजूद हो, जैसे कि प्लाज्मा कैल्शियम लेवल के लिए दोनों काउंटर पार्ट है, लेकिन अगर पीटीएच इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है तो कैल्सिटोनिन जरूरी नहीं उसको कम करे, वो उस पर इफेक्ट नहीं करता। तो ये एक एडिशनल मेजर है पीटीएच के पास कैल्शियम को बढ़ाने के लिए, जबकि विटामिन डी जो है ये दोनों चीजों को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन जो है यानी किडनी से कैल्शियम का रिलीज होना इन यूरिन, उसको पीटीएच कम करेगा। ठीक है, लेकिन कैल्सिटोनिन बढ़ाएगा, क्योंकि पीटीएच ने कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है तो वो ऑलरेडी फिल्ट्रेट बने हुए में से कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा, तभी यूरिन में कम जाएगा ब्लड में वापस आ जाएगा। इसके लिए इस पर कैल्सिटोनिन यूरिन में एक्सक्रीट करवाएगा ताकि ब्लड का लेवल कम किया जा सके कैल्शियम का। ठीक है, अब यहाँ फॉस्फेट का एक इन्होंने कंपेरिजन सिर्फ दिया हुआ है कि फॉस्फेट लेवल जो है वो पीटीएच ऑपोजिट है। ठीक है, फॉस्फेट लेवल जो है पीटीएच फॉस्फेट लेवल को कम करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि कैल्शियम और फॉस्फोरस भी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, और विटामिन डी के लेवल को इंक्रीज करेगा। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट की बात करें, अच्छा विटामिन डी का मैंने ये बताया था बच्चों कि विटामिन डी जो है ना वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है इंटेस्टाइन में से, तो पीटीएच विटामिन डी को सिंथेसाइज कर कर उससे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़वाता है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी की बात करें पैराथायराइड ग्लैंड की, तो ये थर्ड और फोर्थ फेरिंजियल पाउचेस से बनते हैं उनकी एंडोडर्मल प्रोलिफरेशन से। इससे पहले हम थोड़ा सा फेरिंजियल आर्चेस को, पाउचेस क्लेफ्ट्स को रिकॉल करेंगे ताकि हम इस चीज को अच्छे से समझ सके। जब हमने फेरिंग्स की डेवलपमेंट डिस्कस की थी तो हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रक्चर है जिनको कहते हैं फेरिंजियल आर्चेस, उनके दरमियान में जो एंडोडर्म है उससे फेरिंग्स बनेगी, यानी कि वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इनके दरमियान का जो एरिया है ये सारी क्या है, ये एंडोडर्म है। ठीक है, अब इसमें लेबलिंग क्या है कि ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं 1 2 3 लिख रही हूँ, ये एक एक फेरिंजियल आर्च है। टोटल हमारे पास 6 फेरिंजियल आर्चेस होती हैं, जिसमें से एक बाद में डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, वो में कोई प्रोडक्ट नहीं देती आगे। अब इसमें जो अंदर ये डिप बनता है ये क्या चीज है, ये फेरिंजियल क्लेफ्ट कहलाता है। ठीक है, जबकि बाहर जो स्ट्रक्चर है ये फेरिंजियल पाउच कहलाता है। ठीक है, तो इन फेरिंजियल पाउचेस की के सॉरी मिस्टेक, अंदर की तरफ जो है वो पाउच है और बाहर जो बना है वो क्लेफ्ट है। ठीक है, अब इन पाउचेस की प्रोलिफरेशन से ग्लैंड्स बनेंगे। होगा क्या कि जो थर्ड फेरिंजियल पाउच है
वो ग्रो करके दो एस्पेक्ट्स में ग्रो करेगा, यानी कि वो डॉर्सली भी ग्रो करेगा, वो वेंट्रली भी ग्रो करेगा. अब उसका जो डॉर्सल एस्पेक्ट है वो बनाएगा इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, जबकि जो उसका वेंट्रल एस्पेक्ट है वो थाइमस बनाएगा. ठीक है, फिर इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो थाइमस के साथ डिसेंड करता है. ठीक है, थाइमस क्या है? थाइमस मीडियास्टिनम में मौजूद एक स्ट्रक्चर है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है और इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है. ठीक है, बिलो प्यूबर्टी मौजूद होता है, प्यूबर्टी के बाद इन्वोल्यूट हो जाता है. अब क्योंकि इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड उस स्ट्रक्चर से डेवलप कर रहा है जैसे थाइमस डेवलप करता है और उसके साथ ही डिसेंड कर रहा है, इसलिए जितना थाइमस डिसेंड कर सकता है ये भी डिसेंड करता है और अक्सर मीडियास्टिनम में पाया जाता है. ठीक है, और तकरीबन 7th week ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ तक ये नॉर्मल पोजीशन अटेन कर चुका होता है. इसकी नस्बत जो स्पीयर पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये 4th pouch से बनेगा. ठीक है, उसमें भी ऐसे ही 2 growths होंगी. ठीक है, जिसमें जो डॉर्सल एस्पेक्ट है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड बन जाएगा, लेकिन वेंट्रल एस्पेक्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगी जिनका नाम है अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडीज. ठीक है, अब स्पीयर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये कॉर्डली और मीडियली माइग्रेट करेगा और 5th week में नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा. दो के जो स्पीयर पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो बिलो पाउच से बनता है, यानी कि 4th वाला जाहिर नीचे है, 3rd वाला ऊपर है, इससे सुपीरियर बन रहा है, इससे इन्फीरियर बन रहा है. इसके बावजूद सुपीरियर ऊपर इसलिए लाइक करता है कि ये थोड़ा ही माइग्रेट करता है जितना थायराइड का अपर लेवल है. ठीक है, लेकिन इन्फीरियर वाला थाइमस के साथ ज्यादा नीचे डिसेंड करता है, इस वजह से वो ज्यादा नीचे सिचुएटेड होता है. अब इसमें जो ये अल्टीमो ब्रिंकियल बॉडीज हैं ये माइग्रेट कर वहां जाएंगी जहां डेवलपिंग थायराइड ग्लैंड है और उसके अंदर जाकर वो सेल्स बनाएंगी जिसने कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करनी है. देखें कि अब जो स्ट्रक्चर पैराथायरॉयड बना रहा है और जो थायरॉयड का कैल्शियम कंट्रोलिंग पार्ट बना रहा है वो एक ही पैरिनियल पाउच से या एक ही एम्ब्रियोनिक चीज से डेवलप हो रहा है, तभी ये दोनों चीजें कैल्शियम को ही कंट्रोल करती हैं. फर्क सिर्फ ये है कि जो पोर्शन पैराथायरॉयड के अंदर जाएगा वो कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, फ्यूचर में ऐसी सीक्रेशन प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो अल्टीमो ब्रिंकियल बॉडीज से बनने वाला स्ट्रक्चर है जो बाद में कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करेगा वो कैल्शियम को डिक्रीज करता है. ठीक है, जैसे इस पिक्चर में देखें बच्चों, ये साइड व्यू को दिखाया हुआ, यानी कि जो पाउच था ना, पाउच से 2 growths बनी है, पीछे की तरफ डॉर्सल ग्रोथ है, आगे की तरफ वेंट्रल ग्रोथ है. अगर बात करें 3rd pouch की तो 3rd में बनेगा इससे इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड और फ्रंट पे थाइमस बनेगी. इसी तरह अगर बात करें 4th वाले की, 4th pouch से जो प्रोलिफरेशन है डॉर्सल से बनेगा स्पीयर पैराथायरॉयड ग्लैंड और वेंट्रल से बनेगी अल्टीमो ब्रिंकियल बॉडीज. ठीक है, तो ये हमें फिर एडल्ट पिक्चर मिलेगी. देखिए कि ये वाली अल्टीमो ब्रिंकियल बॉडी है जो थायराइड के अंदर शामिल हो जाएगी, ये स्पीयर पैराथायरॉयड ग्लैंड है और ये इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, और ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर से बने थे. ठीक है, और ये दोनों एक स्ट्रक्चर से. अब पैंक्रियास की बात करते हैं. वैसे पैंक्रियास को हम जीआईटी के साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो रहेगा इसके ज्यादा एंडोक्राइन एस्पेक्ट पर, और फिर इसकी क्लिनिकल रेलेवेंट हम चीज डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो कि डायबिटीज मेलिटस और बहुत कॉमन कंडीशन है. अब पैंक्रियास की बात करें तो पैंक्रियास एक एक्सेसरी ऑर्गन है डाइजेशन के लिए. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये एंडोक्राइन सिस्टम का एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, यानी कि जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है वो डक्ट्स के थ्रू डाइजेशन में पार्ट प्ले करता है और एंडोक्राइन पोर्शन ब्लड में हार्मोन्स रिलीज करके ब्लड शुगर लेवल्स को और डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है. ये एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है जिसके 5 parts हैं और इसके अंदर इंटरनल डक्ट्स का सिस्टम है. इसकी पैंक्रियाटिक आर्टरीज जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज कर आती है, इसके सराउंडिंग वेसल्स से, और इसको जो नर्व सप्लाई करती है उसको हम वेगस नर्व कहते हैं. सीलिएक प्लेक्सस और सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस है, यानी इसकी वास्ट नर्व सप्लाई है. एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो ये एक एब्लोंग शेप्ड ऑर्गन है, यानी इस तरह की इसकी लीफ लाइक शेप है और ये ट्रांसपायलोरिक प्लेन के लेवल पर है. ठीक है, L1 के लेवल पर, नंबर वर्टीब्रा नंबर 1 के लेवल पर. इसकी टेल के अलावा ये बाकी सारा रेट्रोपेरिटोनियल यानी कि पेरिटोनियम के पीछे लाई करता है और अपर एब्डोमेन में एपिगेस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक एक्सटेंड करता है. एब्डोमेन के अंदर से कुछ रिलेशन है, जैसे स्टमिक के अंदर ये पेंक्रिया से किस तरह सेपरेटेड है, लेसर सैक के थ्रू, यानी कि स्टमिक के पीछे लेसर सैक है, उसके नीचे पेंक्रियाज, यानी पेंक्रियाज को हम बेड ऑफ स्टमिक में भी कंसिडर करते हैं. ठीक है, और स्टमिक और पाइलोरस जो है वो इसके एंटीरियरली लाई करते हैं. ड्यूडेनम इसको सी शेप कितना कवर करता है, यानी कि इसके स्पीड एस्पेक्ट पर भी है, लेटरली भी है, लेफ्ट साइड पर, ठीक है, और राइट साइड पर, सॉरी, और बिलो भी मौजूद है. फिर ट्रांसवर्स मेसोकोलन है जो कि इसके इंटीरियर सरफेस पर लाई करती है. कॉमन बाइल डक्ट
इसके साथ डिसेंड करती है। इसी की जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है वो जाकर कॉमन बाइल डक्ट के साथ शामिल होकर ड्यूडिनम के अंदर ओपन होती है, मेजर ड्यूडिनल डक्ट में, ठीक है, एम्प्यूल ऑफ वेटर में। स्पीन जो है इसके पोस्टीरियरली और लेटरली लाई करती है, और एक लिगामेंट है जिसका नाम है लीनोरिनल लिगामेंट, वो पेरिटोनियम से बनकर टेल ऑफ पेंक्रियास को स्पीन से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये इसके रिलेशन आ गए एब्डोमेन में। इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं, जैसे कि रूट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन इसके आगे लाई कर रही है, ठीक है, गट के कॉयल इसके इन्फीरियरली लाई कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर ड्यूडिनम होनी चाहिए और कुछ वेसल्स इसके पोस्टीरियरली जैसे एओर्टा भी और इन्फीरियर वेना कैवा लाई कर रहे हैं। इसकी टेल जो है वो स्पीन तक जा रही है और लेफ्ट किडनी के एंटीरियरली लाई कर रही है। वेसल्स की बात करें तो ये बहुत सारे वेसल्स के करीब लाई करती है, और इस वजह से जो वेस्कुलर एनाटमी है उसमें, यानी वेस्कुलर सर्फेस एनाटमी में इसका बहुत स्पेसिफिक रोल है, जैसे कि हेड ऑफ पेंक्रियाज के पोस्टीरियरली एओर्टा और इन्फीरियर वेना कैवा पास करेंगे, स्पीनियम मेसेंटेरिक आर्टरी नेक ऑफ पेंक्रियाज के पोस्टीरियरली पास करेगी, और इसी तरह नेक ऑफ पेंक्रियाज के पोस्टीरियरली सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन्स और स्प्लीनिक वेन ज्वाइन करके हेपेटिक पोर्टल वेन बनाएंगे, ठीक है। पेंक्रियास के पांच पार्ट्स हैं, ठीक है, हेड है, एंसिलेट प्रोसेस है, नेक है, बॉडी है, टेल है। हेड वाइडेस्ट पोर्शन है और ये वो है जो ड्यूडेनम के सी में लाई करता है, ठीक है। एंसिलेट प्रोसेस एक छोटी सी प्रोजेक्शन है हेड से डाउनवर्ड्स। नेक वो है जो कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन और हेड और बॉडी का जंक्शन है, ठीक है, और बॉडी का सेंट्रली लोकेटेड पार्ट है जिसके अंदर सारा तकरीबन डक्ट का सिस्टम है, और ये लेफ्ट ऑफ स्पीनियम मेसेंटेरिक वेसल्स लाई करती है। टेल जो है ये हाइलम ऑफ स्प्लीन के साथ है, उसकी प्रॉक्सिमिटी में मिलती है, और इसी के अंदर, इसी के साथ यानी शामिल है स्पीनोलियर लिगामेंट जो कि स्प्लीन को किडनी से कनेक्ट करता है, ठीक है, और ये वाहिद पोर्शन है पेंक्रियास का जो के इंट्रा पेरिटोनियल है। तो देख सकते हैं हेड है, ठीक है, इसके दो पोर्शन हेड प्रॉपर एंसिलेट प्रोसेस है, नेक है, बॉडी है, टेल है, ठीक है। अब वो चीज जो हम आज नहीं डिस्कस करने वाले हैं वो है एंडोक्राइन पेंक्रियास, ठीक है। जब हमने एक्सोक्राइन पेंक्रिया डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि एसएनआई होते हैं, एसएनआई डक्ट्स है जिनके थ्रू जो सेक्रेशंस डाइजेशन में पार्ट लेंगे वो रिलीज होती है, ड्यूडिनम में जाती है। जबकि जो एंडोक्राइन पेंक्रियास है बच्चों, यहाँ जो फंक्शनल यूनिट है या सेल्स है, क्लस्टर है, उसको हम आईलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं, ठीक है। ये जो आइलेट्स हैं, ये सेल्स हैं, ये ऐसे सेल्स हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि पेंक्रियास का एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इनमें एक सेल्स है जिनका नाम है अल्फा सेल्स, ये तकरीबन टोटल आइलेट सेल्स का 15-20% बनाते हैं और एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ये जो ग्लूकागॉन है बच्चों, ये इंसुलिन का काउंटर पार्ट है। इंसुलिन का नाम तो सबने सुना होगा, ग्लूकागॉन उसका काउंटर पार्ट है। यानी कि अगर ब्लड में शुगर लेवल लो होने लगे तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा और ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है, किस तरह के ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लूकोज को रिलीज करवाकर और बाकी सोर्स जैसे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनमें से एनर्जी रिलीज करवाकर, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स है बीटा सेल्स, ये मेजॉरिटी है 65-80%, और ये वो सेल्स हैं जो इंसुलिन और एमाइलिन बनाएंगे। इसमें से इंसुलिन जो है आपको पता है ब्लड शुगर से रिलेटेड और एमाइलिन डाइजेशन से। फिर डेल्टा सेल्स हैं जो कि सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करेंगे, इनका काम भी जो है सेटाइटी और हंगर कंट्रोल से है, ठीक है, डाइजेशन से लिंक्ड है। गैमा सेल्स जो है ये पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे जो कि पेंक्रियाटिक डाइजेशन से रिलेटेड है, यानी कि इनके सेल्स भी, ये सेल्स भी जो है कुछ डाइजेशन के सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे, लेकिन ये इस तरह एक्ट करेंगे जैसे एंडोक्राइन हार्मोन, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू एक्टिव होंगे, ठीक है। जबकि जो एक्सोक्राइन पोर्शन से आते हैं वो डक्ट्स के थ्रू फंक्शनल होते हैं, जैसे पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। अब जो एप्साइलिन सेल्स हैं ये बिल्कुल कम पोर्शन, less than 1% बनाते हैं और एक हार्मोन बनाते हैं जो नाम है ग्रेलिन, ये भी फिर हंगर से डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। वेस्कुलेचर की बात करते हैं तो पेंक्रियाटिक ब्रांचेस सप्लाई करती हैं स्पीनिक आर्टरी की, और उसके अलावा सुपीरियर इंफीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरीज जो कि गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरीज की ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करती हैं, ठीक है। वेनस ड्रेनेज पेंक्रियास की सुपीरियर मेसेंटेरिक ब्रांचेस में होती है हेपेटिक पोर्टल वेन के, और बाकी कुछ ड्रेनेज स्प्लीनिक वेन के थ्रू होती है। लिम्फेटिक्स जो है आर्टेरियल सप्लाई को फॉलो करती है और पेंक्रियाटिक स्पिनल नोड्स में है, ठीक है, जो कि इंटर्न सुपीरियर मेसेंटेरिक और सीलिक नोड्स में। इसमें ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि हम ये जीआईटी में डिस्कस कर चुके हैं,
इसमें जो चीज आपको बताने की थी वो आइलेट्स थे, ठीक है, कि वो कौन सा सेल कौन सी स्पीशीज प्रोड्यूस करता है, और डेवलपमेंट डिस्कस करके ब्रीफली ये भी, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, हम डायबिटीज को अपना फोकस रखेंगे आज के डिस्कशन का, ठीक है। पेंक्रियाज जो है वो दो बड्स से डेवलप करते हैं। अब ये दो बड्स आती कहाँ से, जो डेवलपिंग फोर गट होती है, यानी कि जिसने अपर जीआईटी बनाना है उस स्ट्रक्चर में से, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये डेवलपिंग फोर गट है, इससे दो प्रोसेस से दो बड्स ग्रो करेंगी, जिसमें से जो वेंट्रली प्लेस होगी उसको हम वेंट्रल बड कहेंगे, और जो डॉर्सली प्लेस होगी उसको हम डॉर्सल बड कहेंगे, ठीक है। अब वेंट्रल बड बड जो है ये उस डाइवर्टिक्यूलम से अराइज होगी जिसने फ्यूचर में लिवर और गॉल ब्लैडर को अराइज करना है, ठीक है, यानी कि हेपेटिक डाइवर्टिकुलम से ही अराइज करेगी, और ये पेंक्रियाज का हेड और अनसिनेट प्रोसेस बनाएगी ये वाली, ठीक है, जबकि डॉर्सल बड जो है वो डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ ड्यूडेनम से अराइज करेगी, और ये पेंक्रियाज के बाकी पोर्शन यानी कि हेड नेक बॉडी और टेल को अराइज करेगी, ठीक है। अब जब ड्यूडेनम की रोटेशन होगी और इन दोनों गट के पोर्शन की अनइक्वल ग्रोथ की वजह से ये होगा कि रोटेशन में जो वेंट्रल पेंक्रियाज है वो रोटेट कर आकर डॉर्सल पेंक्रियाज के बिलो और राइट साइड पर फ्यूज होगा और पेंक्रियाज बनाएगा। जैसे यहाँ से अगर प्रोसीड कर देखिए कि ये रोटेट होना शुरू हुई है, अब ये जो वेंट्रल बड है ये डॉर्सल के राइट साइड पर और इन्फीरियरली लाएकर और बाद में फ्यूज होकर फिर इसका डक्ट सिस्टम डेवलप होता है। डक्ट कैसे बनती है, डक्ट जो है ये वेंट्रल पेंक्रियाज और डॉर्सल पेंक्रियाज से बनती है, यानी कि प्रॉक्सिमल डक्ट्स जो हैं जो गट के ज्यादा करीब हैं वो वेंट्रल पेंक्रियाज में बनेंगी और जो दूर हैं वो डॉर्सल पेंक्रियाज से, ठीक है। फिर इसी तरह एसएनआई डेवलप होंगे, एसएनआई किससे डेवलप होंगे, सराउंडिंग मेसोडर्म से, वो मेसोडर्म जो फ्यूचर के एसएनआई को सराउंड कर रही है, उसमें बाद में मतलब उस मेसोडर्म में जो कि डक्ट्स के अंदर मौजूद है उसमें कैनलाइजेशन से फिर एसएनआई बनेंगे, ठीक है। फिर आइलेट ऑफ लैंगरहॉन्स है, ये कैसे डेवलप होंगे, यानी कि वो सेल जो के एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब इंसुलिन सेक्रेशन जो है बच्चों ये फीटल पीरियड में बहुत जल्दी स्टार्ट होती है, तकरीबन 10th वीक पर, ठीक है, जबकि टोटल पैंक्रियाटिक इंसुलिन कंटेंट्स और ये सब जो है फीटल एज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और ये जो पैंक्रियास का कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा है, यानी कि वो टिश्यू जो, यानी कि जैसे सपोज अगर ये सारा आपका ग्लैंड है इसमें सेल्स, आपको पता है कि सेल्स के अलावा भी यहाँ टिश्यू स्ट्रक्चर मौजूद होगा जो इन सेल्स को सपोर्ट करेगा, जिसको सारा स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रोमा और जो डिफरेंट छोटे छोटे लोब्स के अंदर, आपको पता है कि लोब्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर भी छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं और फाइब्रस सेप्टम होते हैं जो कि उस ग्लैंड के स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये किससे डेवलप होंगे, ये स्प्लैंकनिक मेसोडर्म से डेवलप होंगे ये भी, ठीक है। अब जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट आज का क्लिनिकल रेलेवेंस है वो है डायबिटीज मेलाइटिस। वैसे तो अगर पेंक्रियास की क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं, जैसे कि ग्लूकागॉन की भी एक्सेस क्रिएशन है, इसमें लोगों का ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, लेकिन ज्यादातर जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटिस एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि जो कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करता है, ठीक है, और इसमें बॉडी के तकरीबन जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो सब इम्पैक्ट होते हैं, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि डायबिटीज मेलाइटिस क्या है तो आप कहेंगे कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म को, हम ये सोचते ना कि शुगर शुगर कह रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं, ये प्रोटीन्स और फैट्स की जो मतलब मेटाबॉलिज्म है उसको भी इक्वली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप टू डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। टाइप वन वो है जो बहुत अर्ली एज में हो जाती है, आपने अक्सर देखा होगा यंग लोगों को, ठीक है, तो वो टाइप टाइप वन कहलाती है, उसी को जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक है, थीके? और जबकि जो एडल्ट्स को होती है ज्यादातर 40 ईयर्स के बाद वो टाइप टू डायबिटीज होती है। अब टाइप वन जो है उसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन की डेफिशिएंसी होती है, जबकि जो टाइप टू है उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो होती है लेकिन बॉडी सेल्स में रेजिस्टेंस हो जाती है, ज्यादातर ये ओबेसिटी से भी रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि जो ओबीज लोग होते हैं उसमें भी इंसुलिन की प्रोडक्शन एडिक्वेट होने के बावजूद ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, वजह यह है कि जो उनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, वो इंसुलिन को प्रॉपरली एक्ट नहीं करने देता, ठीक है। अब अपने डिस्कशन को ज्यादा बुकिश से हटाकर क्लिनिकल की तरफ करेंगे ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे, बाकी ये चीजें आप फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे
डायबिटीज की बात करते हैं। अब डायबिटीज में आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे? डायबिटीज में आपको तीन सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में आपको मिलेंगे तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, डायबिटीज के लिए सस्पेक्ट करेंगे इसको डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। वो सिम्टम्स क्या है? वो है थ्री पोलीज, यानी तीन चीजों का ज्यादा होना, ठीक है। पहली चीज है पोली यूरिया, दूसरी चीज है पोली डिप्सिया, और डिप्सिया ये ए लिखती हूँ भैया, और थर्ड चीज है पोलीफेजिया, ठीक है। पोली यूरिया ये है कि किसी बंदे को यूरिन ज्यादा आता हो, ठीक है, ओके, बार बार में वॉशरूम जाता हूँ यूरिन पास करता हूँ। अब ये यूटीआई से भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, लेकिन अगर उसको फीवर नहीं है, पेन नहीं है, जस्ट फ्रीक्वेंसी है बार बार वॉशरूम जाना, तो आप उसमें सस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सब साइंस इकट्ठे मिल जाए, ये भी हो सकता है, एक मिले तो भी आप इसके लिए फिर सोचेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है पोलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट, किसी को प्यास ज्यादा लगे। वजह क्या है कि जिसका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है, इसलिए ब्रेन डिमांड करता है वाटर की, ताकि उस ऑस्मोलैरिटी को कम किया जा सके डाइल्यूशन से, ठीक है। फिर पोलीफेजिया है, फिर किसी को भूख ज्यादा लगती है, ठीक है, क्योंकि उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मतलब फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो इसकी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये तीनों चीजें जिसमें मिले तो आप उसको, अच्छा स्लाइड नहीं मूव कर रहे, ये जस्ट क्लिनिकल रेलिवेंस मैंने आपको बताया कि स्लाइड्स नहीं हम डिस्कस करें, जस्ट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स इसका कर रहे हैं। जब आप एक दफा फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर एक दफा हम इन चीजों को दोबारा देखेंगे, ये जस्ट नॉलेज के लिए, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा टॉपिक है कि आप किसी भी जगह जाओगे तो डिस्कस होता है, इसके सबसे ज्यादा पेशेंट आप इनकाउंटर करोगे, तो ये मैं आपको क्लिनिकल नॉलेज के लिए चीजें बता रही हूँ, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो, ठीक है। तो ये व्हाइट बोर्ड काइंड ऑफ, ठीक है, ये लास्ट स्लाइड, आप इसमें व्हाइट बोर्ड की तरह इसको पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद है कि अब आपको पता कैसे चलेगा, अगर सपोज आपने किसी का टेस्ट करा दिया, आप उसे कहते हैं कि ब्लड शुगर चेक करवा के आओ भाई। आप ब्लड शुगर को कहाँ चेक कर सकेंगे, किन कंडीशन में चेक कर सकेंगे और आपको क्या मिलेगा वहां पर? तो बच्चों ब्लड शुगर चेक करने का तरीका मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कि पहला तरीका है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है। अब फास्टिंग एक बंदा जिसे नाश्ता नहीं किया उसके ब्लड शुगर चेक कराएंगे, अगर वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आएगी तो आप सस्पेक्ट करेंगे इसको डायबिटीज है, डायग्नोज नहीं कह देंगे कि है, आप सस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है आगे, ये जस्ट एक इंडिकेशन के लिए। दूसरी चीज होती है उसे कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर, RBS या BSR, ठीक है, ब्लड शुगर रैंडम, ठीक है। इसी तरह BSF भी लिखते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग, अगर इसका लेवल जो है ना वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बिलो आएगा, 120 से 180 लिखते हैं मैक्सिमम इसको, ठीक है, तो आप इसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे, लेकिन 180 से ज्यादा आएगा तो फिर आप सस्पेक्ट करेंगे कि इसको डायबिटीज है। अगर किसी बंदे का फास्टिंग ज्यादा आता है, ये रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर ज्यादा आने के बाद फिर आपने ये भी पूछना है कि इसने पिछले 2 घंटों में कुछ खाया तो नहीं है, यानी कि एक बंदे ने खाना खाने के 2 घंटों के बाद आप उसकी शुगर चेक करवाएंगे, अगर आप रैंडम करवाना चाहेंगे तो, ठीक है। अगर इनकेस तब भी ज्यादा आती है, उसके बाद आप उसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, वो आप क्या करते हैं कि आप उसको बुलाते हैं, ठीक है, पेशेंट को, उसको ग्लूकोज का सोल्यूशन देते हैं, उसको पीने के लिए कहते हैं और उसका फिर ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, फिर उसके स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं, अगर उनसे ज्यादा आए तो आप उसको फिर डायग्नोस्टिक कंसिडर करते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। यानी कि 2 आवर्स का ब्रेक देते हैं ग्लूकोज पिलाकर, फिर देखते हैं कि रेंजेस में आता है कि नहीं, अगर ज्यादा आती है तो फिर कंसिडर करते हैं वो डायबिटिक है, ठीक है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के क्या, क्योंकि देखें कि अगर नॉर्मल बंदा है जिसकी इंसुलिन बनती है, वो उस ग्लूकोज को जल्दी से डाइजेस्ट करके इन रेंजेस के अंदर आ जाएगा जो कि नॉर्मल है, लेकिन एक बंदा जो नहीं, जिसकी बॉडी एडिकेट इंसुलिन बना रही या एडिकेट बनने वाले इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो वो बंदा फिर ग्लूकोज को इनटॉलरेंट होगा, यानी कि उसका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा आएगा। उसके अलावा यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज का लेवल मिल सकता है, ठीक है। कभी अगर आपने किसी की यूरिनरी की रिपोर्ट देखी हो, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन की, ठीक है, यूरिनरी की, उसमें देखा होगा ग्लूकोज का क्या प्लस लिखा होता है, ठीक है, तो वो भी एक वजह है। वो भी ये होता है कि बच्चों की जब एक सर्टन लेवल तक, कुछ बुक्स के हिसाब से 375 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा अगर ब्लड शुगर हो, यानी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इससे ज्यादा, तो उस टाइम फिर वो किडनी का थ्रेशहोल्ड जो है ग्लूकोज को फिल्टर करने का, उसको क्रॉस कर जाती है और फिर
यूरिन में आना शुरू जाती है। ठीक है, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये सब आप लोग पढ़ेंगे ही एमआर में, लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब ये आपकी बुक में आएगा ना तो आप इसको फिर याद रखेंगे कि ये चीज हम पहले भी सुन चुके हैं, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकली चाहिए होंगी बुक्स को पढ़ने के बाद उसमें। ठीक है, अच्छा अब क्यों इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज की, जो खाली ब्लड में शुगर लेवल ही बढ़ा रही है, इसलिए बच्चों के ये टाइम के साथ साथ डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के तकरीबन हर सिस्टम को इम्पेक्ट करेगी, हमारे ब्रेन को, गोनेड्स को, ठीक है, हमारे हार्ट को, हमारी किडनीज को, आईज को, ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को। ठीक है, तभी डायबिटीज की वजह से जो कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं, डायबिटीज क्या करती है, ब्लड शुगर लेवल जब हाई रहता है ना तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाती है एक टाइम के बाद, तभी अक्सर डायबिटिक लोगों को बाद में हाइपरटेंशन भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, और उसके अलावा यह है कि डायबिटीज जो है, जैसे मैंने बताया, जब आप लोग ईएमआर पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि किस तरह इंसुलिन का एक्शन जो है प्रोटीन्स पर भी है, लिपिड्स पर भी है, कार्बोहाइड्रेट्स पर भी है, और किस तरह सिर्फ इंसुलिन के ना होने से किस तरह ये सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। अब क्लिनिकल पिक्चर पे वापस आते हैं, डायबिटीज जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेगा, लेकिन उनमें जो तीन चीजें हैं जो ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, वो तीन नाम है, मतलब जो कौन चाहिए, पहली चीज है डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, डायबिटीज की वजह से आईज का रेटिना डैमेज हो जाना, ठीक है, ये कॉमन कंडीशन है। फिर डायबिटीज नेफ्रोपैथी है, नेफ्रो आपको पता है किडनी के लिए, कि डायबिटीज की वजह से किडनीज का डैमेज हो जाना, तो जो पुराने डायबिटिक्स होते हैं अक्सर वही रीनल फेलियर में जाते हैं, और अगर डायबिटीज को सपोर्ट करने के लिए हाइपरटेंशन भी साथ मौजूद हो तो ज्यादा चांसेस होते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर में जाकर डायलिसिस तक जाने के। ठीक है, और तीसरी चीज है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, अब न्यूरोपैथी में क्या होता है, न्यूरोपैथी में नर्व्स डैमेज हो जाती है और सेंसेशन लॉस हो जाती है। आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा कोई बंदा कहे जी कि मैं आपके पास बैठता हूँ जला हुआ होगा किसी पुराने डायबिटिक का, आप पूछेंगे आपको पता नहीं चला, तो वो कहेगा कि मुझे तो फील ही नहीं हुआ। या इवन अगर आपका कोई रिलेटिव है जिसको पुरानी डायबिटीज है, उसके भी पाँव में सेंसेशन कम हो जाती है टाइम के साथ, तभी जो डायबिटीज का एग्जामिनेशन है, आप उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन, सेंसरी मोटर एग्जाम करते हैं, ज्यादा सेंसेशन, क्योंकि सेंसरी नर्व फाइबर्स थिन होते हैं, वो पहले डैमेज होते हैं, और ऐसे लोगों की ब्लड वेसल्स डिस्टर्ब होने की वजह से अल्सर्स बनते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स की एम्प्यूटेशन की जाती है, पाँव की उंगली काट दी, बिग टो काट दिया, स्मॉल टोज काट दी, या फिर उनके पाँव पे अल्सर्स बने होते हैं। एम्प्यूटेशन ज्यादातर किस वजह से होती है, डायबिटीज वजह से, क्योंकि वेसल्स डैमेज हो जाती है। ठीक है, और डायबिटीज को साइलेंट किलर पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि नर्व फाइबर्स को डिस्टर्ब करता है, पेन ही होता। अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को जब एमआई होता है उनको पेन फील ही नहीं होता, और टाइम पर मेडिकल हेल्प ना मिल जाने की वजह से वो लाइक मतलब डेथ हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है कि पेन भी ज्यादा होता है डायबिटिक्स को, चोट लग जाए वो मतलब ये है कि नर्व्स जो है उनकी इल सेंसेशंस की वजह से, यानी कि नर्व फाइबर डैमेज हो सकता है, जैसे कि हम पढ़ते थे ना कि पैरास्थीजिया जिसमें ऑल्टर्ड सेंसेशन आती है, तो उस सेंस में ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब आपकी जो क्वेरीज है डायबिटीज की, अब वो पूछिए, मैं आपको आंसर करती हूँ।